श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा शिवे सर्वासाधिके शरणये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रजलता तरु बैठ कर पल भर करु विश्राम रज रज मुख में डाल कर महाराज की पवन सुत हनुमान की शंकर भगवान की जय। बाबा बालकनाथ महाराज की जय। जय श्री राधे। Thank you.
बोले बांके बिहारी लाल की, हो मेरे जीवन की, हो मेरे जीवन की, हो मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन किशोरी
अपराध के भी शिव का तप किया, जिन्हें ब्राह्मणों ने एक श्राप दे दिया कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें गो हत्या लग गई। बड़ी ही सुंदर गाथाएं आज हम श्रवण करेंगे। महाशिव पुराण, जिसमें शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। शिव क्या है? जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, जो जन्म और मरण दोनों से ही मुक्त हो, वो मेरे देवाधिदेव महादेव है। महादेव जिनकी कथा हम लगभग 8वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका एक स्वरूप इस पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में नाम जाना जाता है। शिवलिंग जिसकी पूजा माता गौरजा ने की, गणेश ने की, स्वयं भगवान कार्तिकेय जी ने की, भगवान कृष्ण ने की, भगवान राम ने की, जहां से सृष्टि का विस्तार हुआ है वही मेरी प्रभु का एक स्वरूप जिसे शिवलिंग कहा जाता है। कहते शिवलिंग की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए? नारी को कभी भी शिवलिंग के ऊपर से जल चढ़ाना नहीं चाहिए। जब भी जल चढ़ाएं तो शिवलिंग के नीचे जल चढ़ाना, ऊपर जल चढ़ाना नहीं चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र, नतुरा, भांग, जो मेरे महादेव को अति प्रिय है, आज उसका श्रद्धा सुमन सहित महादेव पर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर चाहे पुष्प है, चाहे वो तिलक है, चाहे इसी के साथ भोलेनाथ जी का पावन दिन, जो वर्ष में तो एक मनाया जाता है लेकिन हर महीने आता है, शिवरात्रि। शिवरात्रि हर महीने भी आती है लेकिन हम उसका पूजन नहीं करते, क्योंकि एक शिवरात्रि जिसमें हम शिव की रात्रि, जिस दिन मेरे महादेव की पूर्ण रात्रि, जहां महादेव पूरी रात्रि अपने भक्तों को दर्शन देती है, उस रात का नाम रखा शिवरात्रि। जगह जगह पर मेरे महादेव की आराधना होती है, जगह जगह पर मेरे महादेव को पूजा जाता है। इसी के साथ मेरे महादेव का सबसे प्रिय महीना जिसे सावन कहा जाता है। सावन महीने के कई बार 4 सोमवार आते हैं, कई बार 5 सोमवार। पहले कहा जाता था जो सावन महीने के 4 सोमवार का व्रत करती है उसे पति बड़ा सुंदर मिलता है, पति ही बड़ा सुंदर मिलता है। तो मातृशक्ति इसीलिए सावन महीने के व्रत किया करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। महादेव की कृपा हमारे जीवन में हर पल हर क्षण होनी चाहिए, जिसका दर्शन करने से जीव अपने आप को बड़ा सौभाग्य मान मन समझता है। पहले 4 धाम, सर्वप्रथम चारों धामों में से नाम आता है जगन्नाथ पुरी, जो उड़ीसा की भूमि में स्थित है, जहां मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण बलराम और उनकी बहन सुभद्रा जी विराजमान है। बड़ा ही सुंदर तीर्थ है मेरे प्रभु का। नित्य मेरे प्रभु को 56 भोग वहां पर लगाया जाता है, हर दिन सुबह शाम रात 3 समय मेरे प्रभु को 56 भोग लगता है, हर दिन प्रतिदिन। आज भी कहीं की महिमा निभाई जाती है तो वो जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी में
जो भक्त दर्शन कर कर आता है ठाकुर जी की बड़ी अपार कृपा होती, क्योंकि वहां मेरे प्रभु कृष्ण रूप में नहीं महाप्रभु में रूप में बैठे हैं। वहीं पर मेरे ठाकुर जी की पंचायत लगती है। पंचायत समझते जिदा सारे बिठा के पंचायत लगाई जाती, वो पंचायत जगन्नाथपुरी में ही लगती है जहां सभी देवी देवता एकत्रित होते हैं। जगन्नाथपुरी चार धामों में से एक है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है कि आज भी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो ध्वज फहराया जाता है वो किसी भी दिशा से आप देखेंगे आपको उल्टा ही नजर आएगा, सीधा नजर नहीं आएगा। झंडा जब भी फहराया जाता है ना तो उसकी लहर इस ओर होती जहां हवा होती, लेकिन वहां छोटे छोटे और भी मंदिर हैं, उसकी सबकी लहर हवा की वेग की तरह होती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का ध्वज उल्टी दिशा में बहता है, जिसके आगे विज्ञान भी नमस्तक होते हैं कि ये क्यों होता है किसी को पता नहीं। जगन्नाथपुरी में जब भगवान का प्रसाद पकाया जाता है रसोई घर में तो चार देह रखी जाती है। सबसे पहले अग्नि के ऊपर बड़ा पात्र, उसके ऊपर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। लेकिन कृपा क्या है मेरे प्रभु की, आश्चर्य क्या है कि सबसे पहले ऊपर वाला प्रसाद बनकर तैयार होता है, उसके बाद नीचे वाला, फिर नीचे वाला, और अंत में जो अग्नि में रखा होता है वो प्रसाद पकता है। आज भी जगन्नाथपुरी में मिट्टी के बर्तन पे ही 56 भोग पकाया जाता है। वहां कोई स्टील कोई पीतल का प्रयोग नहीं किया जाता, और मिट्टी के बर्तन जिसमें एक बार भोजन पक गया दूसरी बार उसे प्रयोग नहीं किया जाता। जगन्नाथपुरी के चार द्वार हैं, जिसमें सबसे विशेष जिसे सबसे उच्च दर्जा दिया वो सिंह द्वार है। जब आप जगन्नाथ मंदिर के बाहर होते हैं तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर में एक पांव अंदर रख लेते हैं लहरों की आवाज अपने आप बंद हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर की जो प्रतिमा है जिसका हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, महाप्रभु बलराम जी और भगवान की बहन सुभद्रा जी, 12 वर्ष के बाद ये प्रतिमा बदल दी जाती है। 12 वर्ष के बाद उनकी ये मूर्ति हटाकर नई मूर्ति रख दी जाती है, और जो प्रतिमा भगवान की बनाई जाती है वो किसी पत्थर मिट्टी से नहीं बल्कि नीम के वृक्ष से बनाई जाती है। आज भी कहा जाता है कि जब भगवान की प्रतिमा 12 वर्ष बाद बदलनी होती है तो वहां के गोस्वामी जी को एक महीना पहले ही स्वप्न आता है। भगवान स्वयं स्वप्न में बताते हैं इस जगह के वृक्ष का ही मेरी मूर्ति अर्पण होना चाहिए और किसी वृक्ष से मेरी मूर्ति नहीं बननी चाहिए। जिस वृक्ष से भगवान की मूर्ति बनाई जाती है ना तो उसमें किसी चिड़िया का घोंसला होना चाहिए, ना ही उस वृक्ष में किसी कीड़े ने अपना घर बनाया होना चाहिए। कहते हैं जब उस वृक्ष को काटा जाता है, उसके काट कर प्रतिमा बनाई जाती है, तो उसका एक एक पत्ता भूमि में गाड़ दिया जाता है, एक पत्ता भी किसी को नहीं मिलता उस वृक्ष का। आज भी नित्य लीला है ऐसी। जगन्नाथपुरी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण का हृदय जगन्नाथपुरी में धड़कता है। जब 12 वर्ष बाद प्रतिमा बदली जाती है तो उस समय पुरानी प्रतिमा से नई प्रतिमा में भगवान का हृदय प्रवेश करवाया जाता है। पूरी जगन्नाथ की बिजली बंद कर दी जाती है। वहां के राजा जब प्रतिमा को बदलकर हृदय बदलते हैं तो आंखों में उनके पट्टी बांध दी जाती है। एक मूर्ति से हृदय को जब निकाला जाता है तो वो कहते आज भी धड़कता है, और दूसरी मूर्ति में प्रवेश करवा दिया जाता है।
ये सबसे बड़ी विशेषता है मेरे जगन्नाथ पुरी की, जहां आज भी मेरे ठाकुर जी का हृदय साक्षात का धड़कता है। तो कभी सौभाग्य मिले जगन्नाथपुरी का दर्शन करने का तो अवश्य जाए और मेरे प्रभु का दर्शन कर कर आए। आज भी कहते हैं जो जगन्नाथपुरी के चावल का भोग लगा लेता है, ग्रहण कर लेता है, उसे अगर भूल से एकादशी में चावल खा ले तो दोष नहीं लगता। परम पूज्य महाराज जी हमारे बीच में मंदन हुए हैं बारंबार, व्यास पीठ से वंदन करती हूं। तो कहते हैं मेरे ठाकुर जी की ऐसी लीला, चार धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी। जीते जी कहते हैं चार धाम का दर्शन करना चाहिए। भगवान का एक परम भक्त श्रवण अपने अंधे माता पिता को चार धाम की यात्रा करवा रहा था। एक बांस पर दो टोकरियां बांधी, उसे एक तकड़ी का रूप दिया गया, तराजू का रूप दिया गया। माता पिता की इच्छा थी कि हम चार धाम की यात्रा करें। तो कहते पहले इतने सुख साधन तो होते नहीं थे, गाड़ियां बैलगाड़ियां नहीं होती थी। तो उस समय शर्मा ने मन में सोचा क्यों ना मैं ही अपने माता पिता को चार धाम की यात्रा करवाऊं। स्वयं एक तराजू बनाया और उस तराजू में अपने बूढ़े माता पिता को बिठा लिया, जो आंखों से नेत्र ही नहीं। चार धाम की यात्रा आरंभ कर दी। कहते श्रवण ने तीन धाम की यात्रा करवाई, चौथे धाम की यात्रा करवाने लगा तो महाराज दशरथ जी ने शिकार खेलते समय सोचा कोई शिकारी जल लेने के लिए पीने के लिए आया है, दूर से बिना बाण वाला बाण चलाया और श्रवण की छाती पर लग गया। श्रवण उस समय अपने बूढ़े माता पिता के लिए नदी में जल भरने आया था, जैसे ही पास आकर देखा तो श्रवण ने कहा राजन तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे माता पिता की अंतिम इच्छा थी कि मैं चार धाम की यात्रा करूं, तीन धाम हो गए, अंतिम धाम था, मेरी भी आशा अधूरी रह गई और मेरे पिता माता पिता की आशा भी अधूरी रह गई। महाराज दशरथ बड़े पछताए कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अच्छा नहीं हुआ। अंतिम इच्छा जाननी चाहिए श्रवण कुमार की, तो उन्होंने कहा कि मेरे बूढ़े माता पिता को बस जल पिला दे। महाराज दशरथ जी जब जल लेकर गए, राजा दशरथ का हाथ स्पर्श हुआ, पुत्र का हाथ नहीं लगा। पूछा तुम कौन हो, तो कहा मैं महाराज दशरथ। अंधक ने कहा कि मेरा पुत्र कहाँ है। महाराज दशरथ जी रो पड़े, मुझसे भूल से उन पर बाण चल गया। अंधक और अंधकी ने कहा हे राजन तुमने बूढ़े माता पिता की लाठी को छीन लिया। उस समय मारा जब हमारे हम दोनों बूढ़े बुजुर्गों का एक अंतिम सहारा हमारा पुत्र, और तुमने वो भी हमसे छीन लिया। जा राजन जैसे तुमने हमारे पुत्र को छीना है, एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो। उस समय श्रवण कुमार ने अपने अंतिम वचनों में कहा था कि अगर मैं भी अपने माता पिता को चार धाम की यात्रा नहीं ना करवा पाया तो इस कलयुग में भी कोई बेटा अपने माता पिता को चार धाम की यात्रा नहीं करवा सकता। मैंने लगभग 202 भागवत की है,
और शिव पुराण देवी भागवत मिलाकर लगभग होगी कहीं 225 या 250 के आसपास। मैं हमेशा जब कथा करती तो मैं लोगों से पूछती हूं कि किसने अपने पुत्र के साथ चार धाम की यात्रा की है। मुझे आज तक भी एक व्यक्ति नहीं मिला जो कहे कि हमने माता पिता हम दोनों और हमारे पुत्र ने तीनों ने चार धाम की यात्रा की। माता पिता चार धाम की यात्रा कर सकते हैं, माता पुत्र कर सकते हैं, पिता पुत्र कर सकते हैं, लेकिन तीनों चार धाम की यात्रा करें वो भी इस कलयुग में पूर्ण नहीं होता। और अगर कहीं हो तो मैं कहती बड़ा भाग्यशाली होगा जो अपने बूढ़े माता पिता को आज भी चार धाम की यात्रा करता हो। तो जगन्नाथपुरी की महिमा है जहां आज भी मेरे ठाकुर जी का हृदय धड़कता है। दूसरा धाम है द्वारिकाधीश, द्वारिकापुरी जो गुजरात की भूमि में स्थित है, जहां के मेरे राजा भगवान श्री कृष्ण स्वयं राज सिंहासन पर बैठे थे, चतुरंगी सेना को साथ लेकर 16,108 रानी पटरानियों के आगे 10-10 पुत्र एक एक पुत्री के साथ विशाल वंश में तब्दील हो चुकी द्वारिकापुरी के राजा मेरे सुने प्रभु भगवान श्री कृष्ण के राज। आज भी द्वारिकापुरी में कि कुछ दूरी पर एक स्थान आता है भेंट द्वारिका, जहां सुदामा ने भगवान को तंदुल भेंट किए थे कच्चे चावल, और आज भी वो समुद्र पार कर उस मंदिर का दर्शन करने के लिए भक्त जाते हैं। द्वारिका से ही कुछ दूरी पर देवाधिदेव महादेव के 2 ज्योतिर्लिंग पड़ते हैं, जिसे सोमनाथ महादेव और नागेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तीसरा धाम है मेरे प्रभु का केदारनाथ बद्रीनाथ। कहते केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भी है और केदारनाथ धाम भी है। कहते एक बार 5 पांडव केदारनाथ के रास्ते से जा रहे थे, महादेव की दर्शन करने की इच्छा से उन्होंने उसी स्थान पर तप किया। महादेव भेष बदल कर उनके पास आए, एक भैंसे का रूप धारण कर लिया, और भैंसे का रूप धारण कर महादेव पांडवों के पास से गुजरे कि ये मुझे पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। कहते 5 पांडवों में से भीम ने महादेव को पहचान लिया और महादेव की पूंछ को पकड़ लिया। जैसे पूंछ पकड़कर महादेव को रोका, जिस स्थान पर महादेव रुके वही स्थान पर शिवलिंग का निर्माण हुआ। आज भी आप केदारनाथ की शिवलिंग देखेंगे तो ऐसे ही लेटे हैं जैसे महादेव भैंसे के रूप में विराजमान थे। आज भी केदारनाथ धाम में भगवान की आकृति वैसी की वैसी ही बनी है और भोलेनाथ उसी स्थान पर आकर बैठ गए, और वो स्थान केदारनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम, जहां आज भी कहते हैं भगवान कुबेर जी का कर्जा उतारते हैं, बर्फ में ढके हुए उस मंदिर में, चारों धामों में से एक धाम बद्रीनाथ, जहां लक्ष्मी अंदर नहीं बल्कि बाहर वास करती है। बद्रीनाथ की एक विशेषता है कि जब बद्रीनाथ की यात्रा बंद होने लगती है, आज भी जब यात्रा बंद होने लगती है तो वहां के जो गोस्वामी जी है बद्रीनाथ मंदिर में एक दीपक जलाते हैं घी का। 6 यात्रा खुलती है, 6 यात्रा बंद रहती है। दीपक जगाकर उस मंदिर के कपाट बंद कर जब वो नीचे आ जाते हैं
और 6 महीने बाद जब उसके कपाट खोले जाते हैं तो वो दीपक वैसे ही जगता रहता है। आज भी वो दीपक कभी नहीं बुझा। वहां कोई भी उसे घी डालने नहीं जाता क्योंकि वो पूरा मंदिर ही बर्फ से ढक दिया जाता है। कुदरत की ऐसा करिश्मा है। और 6 महीने बाद भी वो दीपक आज भी जगता रहता है। ये बद्रीनाथ की विशेषता है। बद्रीनाथ के पास नरसिंहपुर में, जहां पर शंकराचार्य महाराज जी ने मठ की स्थापना की थी, आज भी वहां पर कल्प वृक्ष लगा है। कल्प वृक्ष जिसका भागवत में वर्णन किया गया था कि कल्प वृक्ष कैसा वृक्ष, इसका फल खाने से जीव अमर हो जाता है। लेकिन कलयुग में ऐसा तो नहीं है, लेकिन आज भी कल्प वृक्ष का दर्शन उस धाम में प्राप्त होता है। आज